Preparation of Atsu's 30th is in full swing. The preparation for the 30th General Conference cum Ethnic Cultural Meet are in full swings at the main venue and El Dolagofu Sports Complex Haflong. The 30th General Conference cum Ethnic Cultural Meet is being hosted by the Dema Hasaos District Committee this year, and thousands of delegates from various places are expected during the conference. Talking to the media, Uttam Langthasa, President, Dema Hasaos District Committee, ADSU, said the 30th General Conference cum Ethnic Cultural Meet is being organized by the Central Committee from February 26 to 28. पहले प्रेस मीट दिया था जो हम लोग का डेलीगेशन डेलीगेट्स विभिन्न डिस्ट्रिक्ट और नागालैंड से आए गए बोल के, तो ये कन्फर्मेशन हो गया और आज 20 तारीख हो गया। खाली हम लोग का हाथ में 5 दिन या 6 दिन ही है, तो ये 2-3 दिन से हम लोग का ये प्रिपरेशन हो रहा है। तो वेलकम गेट जो है म्यू होगलाई, जो कि खासपुर राजबरी का जो एंट्रेंस गेट था, उसको लेके हम लोग ने ये तैयार किया। तो ये 2 दिन से बना रहा है, तो ये 2-3 और 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और जो हम लोग का स्टेज और पंडल का जो टीम है वो आज या कल तक आ जाएगा। तो उसका प्रिपरेशन उन लोग का मेंबर्स क्रू मेंबर्स उन लोग का 60 से 100 तक है, तो उन लोग ने एश्योरेंस दिया कि 5 दिन में उन लोग कंप्लेंट कर देंगे। He appealed to the people to extend their support to make this event a grand success. तो उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी से हम लोग का मेंबर लोग जितने भी रिसेप्शन कमेटी का और एज वेल एज होस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आतसु, ओके, हम लोग ये बहुत बड़ा निर्णय लिया था हम लोग 1 साल पहले यहाँ करेंगे बोलते, तो हम लोग वो उसको ये प्रोग्राम को हम लोग सक्सेस करेगा बोल के आशा रखता है। और सक्सेस करने में सभी पब्लिक को और मीडिया टीम को भी हम लोग को जरूरी है। तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी हम लोग का मेंबर है, साथ साथ जितने भी पब्लिक है डिमांड का, सब लोग ये प्रोग्राम में हम लोग का साथ देगा बोल के आशा रखते हैं।